13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मोहर मौजूद नहीं है भाई। ये क्या कह रहे हो तुम सुंगुर? जब मैं जख्मी हो गया था, अर्तुरुल ने वो मोहर नोयान से छीन कर मुझे दे दी थी। उसे मैंने इस थैले में रखा था और ये थैला मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ था। कौन हो सकता है वालिदा? क्या नोयान वो अमानत हासिल करने के बाद सलजान खातून को छोड़ देगा? गुंदोगदू साहब, मैं नहीं जानता कि वो ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो चीर डालूंगा मैं उसे अपनी तलवार से। ओताक में जाकर उस हार को ढूंढो, तुम देखना जब वो मिल जाएगा तो एक एक करके सारी गिरह खुल जाएंगी। ओताक में जिस रात हम सब खाने पर जमा थे, गोंजगुल और गोपचे सुंगुरदुकिन भाई के खेमे में दाखिल हुई। समझते हो कि गुंदोगदू तुम्हें अपनी मनमानी करने देगा? गुंदोगदू जिंदा रहेगा तो कुछ करेगा ना? तुम्हारे चेहरे से अर्तुरुल भाई के सुलूक का खौफ साफ जाहिर है। अब जबकि तुम गद्दारों से मदद के तालिब हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन गुंदोगदू जरूर आएगा और यहां जंगली जानवरों के लिए तुम्हारी तावफुनज़दा लाश चीने फाड़ने के लिए छोड़ देगा। हर किसी की बारी आएगी, हर किसी की। पहले गुंदोगदू, उसके बाद अर्तुरुल मारा जाएगा, लेकिन उनसे पहले तुम मारी जाओगी। अंगुत, जाकर हमजा को देखो। तुम सब मेरी बात गौर से सुनो, छुप जाओ सब जाकर।
और जब तक मैं इशारा ना करूं कोई ना हिले अपनी जगह से, समझ गए मेरी बात? नोयान कब आएगा यहां? जल्द ही उसको भी देख लोगे। बंदूक तो भाई, जब तक सलजान खातून को लेने गए हैं हमें खाली नहीं बैठना चाहिए। मोहर तलाश करनी होगी हमें। अफरासियाब ने अगर मोहर नहीं चुराई तो मोहर कबीले में ही है। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन और कौन वाकिफ हो सकता है इस मोहर के बारे में? कबीले को आप मुझसे बेहतर जानते हैं आरतुक भाई। क्या आपको किसी पर शक है भाई? बताइए मुझे किस पर शुबा है। मुझे किसी पर शुबा नहीं है, लेकिन मोहर चुराने वाला मंगोलों में से हर किस नहीं, क्योंकि मोहर के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के करीबी लोगों के अलावा किसी को इल्म नहीं। या रब, मेरी औलाद और मेरे कबीले को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखना, हमें अपनी रहमत से महरूम न करना, हमसे रुख न फेरना या रब। हमारा तेरे सिवा और नहीं है कोई, इन खतारों से हमें तेरे सिवा और कोई नहीं बचा सकता। उनके मकरू चेहरे हमारे सामने ले आ, रहम करते मेरे मालिक। ये क्या कह रही हो तुम हायमा? खत्तारी सिर्फ हमारे कबीले तक ही महदूद नहीं है भाई, बल्कि हमारे खैमों तक पहुंच चुकी है। अब कोई भी एतबार के काबिल नहीं रहा भाई। हर दूसरे रोज हमें एक नई गद्दारी का सामना है। ऐसा क्या हो गया जो तुम ये बातें करने पर मजबूर हो गईं? हम तो कबीले को गद्दारों से पाक कर चुके हैं। अर्तुरुल ने जब कोजाबाश का सर कलम किया था तब मैं भी यही समझती थी, लेकिन वो मेरी खुशफहमी थी। गद्दार अभी भी हमारे कबीलों में आजाद फिर रहे हैं। सुंगुरतकिन के पास मौजूद एक अहम चीज जो कि नोयान को दरकार है, वो मेरे खैमे से चुरा ली गई है। ऐसा कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत हुई आखिर? क्या मालूम, हमारे कबीलों में गद्दार मौजूद हैं
और उन गद्दारों की इतनी जुर्रत हो गई कि वो हमारे खैमों में आकर इतनी अहम चीज चोरी कर कर ले जाएं। आखिर आ गए तो कबीले के होनहार सपूत, अकेले आए हो? तो नोयान, कौन से बिल में छुप के बैठे हो आजकल? ये बुलंद पहाड़ ही मेरा आशियाना है गुंदोक्तो। सुना है कि तुमने दूसरी शादी कर ली, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे, मगर लगता है मोहब्बत जिंदा है, खिंचे चले आए मोहब्बत में। सीधी बात करो, खातून को छोड़ दो। पहले वो मोहर दो मुझे। तैयार हो जाओ अंजाम के लिए। हमजा, अपने भौंकने की आवाज नीची करो नोयान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया।
क्या औकात है तुम्हारी? तुम समझते हो कि मुझसे जीत जाओगे? हाँ, अकलमंद समझते हो खुद को? तू तकिन, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह बहादुर है। बहुत मुश्किल वक्त दिया इसने मुझे, फख्र होना चाहिए तुम्हें इस पर और खुद पर भी, लेकिन अब तुम दोनों को मरना होगा। तुम्हारा गुरूर खाक में मिल जाएगा नोयान। तुम्हें सिखाऊंगा कि औरतों को कबीलों से अगवा करके फतह हासिल नहीं होती। तुम अकेले उस नजिस जानवर की मानिंद हो जिसे धुतकार दिया गया है नोयान। तो तुम इंतकाम लेने के लिए आए हो शोला जवान, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल उसी दिन की तरह जिस दिन तुमने अपने भेड़िए मुझ पे छोड़ दिए थे। मेरे वफादार पालतू, तो तुमने उसी हाथ को काटने का फैसला किया जिसने तुम्हें सहारा दिया। तो आ जाओ फिर, इनाम तो मिलना चाहिए। तुम्हारे बाद मुझे इनसे भी निमटना है। अपने सिपाहियों के बगैर तो इनमें हिम्मत ही नहीं है मुझ पर हमला करने की। हमजा, यही अंजाम होना था।
थोड़ा सब्र तू तक है। इसके लिए इतनी आसान मौत नहीं होनी चाहिए। एक मौका और दूंगा इसे मैं। तुम अपने साथ नकली मोहर लेकर आए थे। मोतरिफ हो गया हूं मैं। दो बार जेर किया तुमने, मगर ये याद रखना, तुमने अगर मुझे अभी खत्म न किया तो मुकद्दस रूहों की कसम खाता हूं, जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारे कबीले के लोगों का भी और तुम्हारा भी। गुंदोग्दू भाई जिंदाबाद, गुंदोग्दू भाई जिंदाबाद, गुंदोग्दू भाई जिंदाबाद। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर। बांधो इस भेड़िए को। जान से क्यों नहीं मार देते आप इसे? मैं चाहता हूं हर इंसान देखे कि कैसे यह शैतान जहन्नुम वासिल होता है। हमसा बहन, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। तुम ज्यादा बात मत करो, गुंदोग तो अभी तुम्हें कबीले ले चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी माँ ने मेरा नाम उस हस्ती के नाम पर रखा था जिन्होंने नबी पाक की जान बचाई थी, लेकिन मेरी औकात उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह राजी हो आपसे भाई, आपने मुझे शहीद होने का मौका दिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो तुमसे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। Thank you.
अब्दुर्रहमान पर और हमजा पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। अब से औताई के लश्कर की कमान सही हाथों में होगी। जानती हूं मैं कि तुम सब लोग तैयार हो अपने कबीले और अपने मजहब की खातिर जान निसार करने के लिए। तुम सब बेखौफ हो क्योंकि तुम सब ओवोस के बहादुर सपूत हो। और मैं तुम्हारे इल्म में ये बात लाना चाहती हूं कि हमारे कबीले में दोबारा कुछ गद्दार हमारी जड़ें काटने के लिए सर उठाने लगे हैं। वो गद्दार जहरीली झाड़ियों की तरह फूटने लगे हैं हमारे कबीले में और अब वो हमारे खेमों तक भी आन पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर तुम लोगों को इस बारे में कोई मालूमात हैं तो वो बताए मुझे, फौरन बताए, ताकि वो जहरीली झाड़ी हम अपने औताक से और अपने कबीले से उखाड़ फेंके। हाय मखानम, हम सब आपके हाथों में पलकर बड़े हुए हैं। हम ताबेदार हैं आपके हुक्म के। हम वही करेंगे जो आप कहेंगी, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। हजरत इब्नुल अरबी ने अर्तुरुल भाई और आपकी खिदमत के लिए मुझे इस कबीले में छोड़ा है। मैं जो कुछ भी देखूं या जो कुछ भी सुनूं उस बारे में सबसे पहले आपको आकर बताऊंगा हायमा खातून, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं जानता। जो कुछ भी कहा मैंने उसका जिक्र मत करना किसी से। अब जा सकते हैं आप सब। बहुत शुक्रिया। इन लोगों से तफ्तीश करना बेसूद है वालिदा। तो फिर हमें किस पर शुभा करना चाहिए बेटा? आखिर कौन ऐसी गद्दारी का मुर्तकिब हो सकता है? ऐसा शख्स जो हमारे हर राज से वाकिफ है, जब तक हम उसे पकड़ ना लें मुझे एक एक शख्स से तफ्तीश करनी होगी। जब तक वो गद्दार पकड़ा नहीं जाता, ना तो कबीले को और ना ही हमें सुकून होगा। मोहर के बारे में सिर्फ अलाउद्दीन के करीबी लोग जानते हैं। यह खबर कोनिया से हमारे कबीले में पहुंची है। हालात के पेश नजर यह किसी ऐसे शख्स का काम है जिसकी पहुंच महल तक है। इसका मतलब महल में भी गद्दार मौजूद हैं। हम बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुके हैं। पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी जगह नहीं देखी भाई, और इस सरजमीन ने भी
हम जैसे बहादुर लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे भाई। हम इस वक्त सरहद पर हैं। वो पहाड़ बाजंतीनियों की मिल्कियत है। हम सरहद उबूर करेंगे। तैयार रहना तुम लोग। हम तैयार हैं भाई। बिल्कुल तैयार। हम तैयार हैं भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। आज अगर मर भी जाऊं तो गम नहीं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन भाई। आमीन भाई। आमीन। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी हर मखलूक से अफजल। अल्लाह ने बेहतरीन खल्क किया है हमें। किसी भी इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत नहीं। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और इस हकीकत को कोई भी बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकता। तो फिर हम एक दूसरे पर जुल्म क्यों करते हैं? आप लोग क्यों उन लोगों की गुलामी पर आमादा हैं जो अपने आप को हर चीज का खुदा समझते हैं? क्यों उन लोगों को अपना हक छीनने का मौका दिया आप लोगों ने? तो फिर हम क्या करते हैं? ऐ हजरत आदम की औलाद, सोचो जरा, ऐसा क्या है जिसने उन लोगों को तुम्हारा आका बना दिया है और तुम्हें उनका गुलाम? याद रखो, अल्लाह की इस जमीन पर सब बराबर है। उनके पास सब कुछ है और हमारे पास गुरबत के सिवा कुछ नहीं। हमें खुदा ने ऐसे ही बनाया है। वो हमारे आका है और हम उनके गरीब गुलाम। ऐ आदम की औलाद, मैं तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ दावत देता हूं जिसमें हर इंसान बराबर है। एक ऐसा मजहब जो इंसान को इंसान समझता है, अरबी को अजमी पर, अमीर को गरीब पर, किसी भी इंसान को किसी दूसरे पर फौकियत नहीं सिवाय मुत्तकी और परहेजगारों के। क्या हो रहा है यहां? सुबह से हम काम कर रहे थे, इस वक्त खाने के लिए बैठे हैं। इलाके में तुर्क दाखिल हो गए, अगर वो नजर आए तो फौरन इत्तला देना हमें। हाँ, कुछ कहना चाहते हो तुम? दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी शुरफा की तरह इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारी जिंदगी कब सुकून में आएगी? आखिर इस जिल्लत से कब जान छूटेगी हमारी? तुम कुछ भी नहीं हो, अपनी औकात मत भूलो। इससे ज्यादा की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर अपने खानदान के साथ अपनी सांसें पूरी करना चाहते हो तो आइंदा ऐसा मत सोचना, वरना मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। आ गई बात समझ में? जाओ, जाकर काम करो अपने। उस मजहब के बारे में बताइए मुझे जिसमें कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर फौकियत नहीं रखता। भाई, बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, जरूर बताऊंगा।
खाने की तैयारी करो, मैं शिकार करके लाता हूं। जैसे आपका हो। जैसा आप कहें भाई। हाँ तो दुआन भाई, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि आशिक के हाथ में बड़ा जायका होता है। मैं जरा घोड़ों को देखता हूँ, तुम जब तक अपनी सलाहियत दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हो, पकाने के लिए तो हम हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चलो हम चलकर आग जलाएं। हाँ चलो। हाइमा खानम को बिल्कुल अंदाजा नहीं वो क्या कर रही हैं। खैरियत तो है गोगचे? खैरियत ही तो नहीं है अर्तुलन खातून, कुछ भी ठीक नहीं है। जो कुछ मैं देख कर आ रही हूँ वो शर के सिवा कुछ भी नहीं। वो अपने ही वफादार सिपाहियों से, यहाँ तक कि इब्नुल अरबी के दरवेश से भी पूछ गिछ कर रही हैं। और ताक से जो अमानत चोरी हुई है उसके लिए कबीले में मौजूद हर एक पर शुबा है उन्हें। इस मुश्किल को झेलना हाइमा खानम के लिए आसान नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी अकल और हवास खो बैठी हैं। वो अपने ही औताक की हिफाजत न कर पाने की शर्मिंदगी को दूसरों पर शुबा करके छुपाना चाह रही हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि लोगों की अना और खुददारी से खेल रही है वो उन्हें चोर समझती है। तुम तो खुशकिस्मत हो गोगचे खातून, किसी भी किस्म की पूछताछ तुमसे तो नहीं की ना। यही ख्याल था मेरा भी, लेकिन गलत थी मैं। औताक में आने वाले हर शख्स से पूछताछ करेंगी वो, हम सबसे भी। अब हमें चोर समझा जाएगा, इसी बात की कसर रह गई थी। गुंदोगदू और सलजान की अभी तक कोई खबर नहीं, न जाने किस हाल में होंगे। हमारे गम और गुस्से में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। इस मामले में किसका हाथ हो सकता है बताओ? वही जो सलजूक महल में बैठकर फितने फैला रहे हैं वालिदा, सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मनों का काम है ये। तो फिर नोयान ने इस मोहर को हासिल करने के लिए सलजान को अगवा क्यों किया बताओ? जाहिर है कि इस अमल से दीगर मफाद भी वाबस्ता है, और इस कार्रवाई की हिकमत अमली हमारे औताक से ही पार गई है। मतलब कि हमारे औताक में ये खतार मौजूद है, ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई है? हमारे औताक में से कोई ना कोई सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो वाहिद आदमी जिसका ताल्लुक महल से है वो तो कुमिश्तकिन है, उसकी बेटी से शादी होने वाली है गुंदोगदू की। गुमिश्तकिन साहब के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता मैं। गुमिश्तकिन ने और आयतोलन ने किस बहादुरी से सामना किया था नोयान के हमले का, मैं इस बात की खुद गवाह हूं। आयतोलन ने मेरी और सलजान की जान बचाई थी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बेटा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है उनसे बिल्कुल। वालिदा, मैं उस वक्त तक यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक उस हाथ को काट ना दूं जिसने आपके खेमे तक पहुंचने की जुर्रत की। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल, तुम लोग कौन हो? हमला करो। चलता
थे उसी के साथ था मैं, लेकिन उसने मुझे वापस भेज दिया। तुम्हें जल्द से जल्द मुझे मार देना चाहिए, मौका है तुम्हारे पास अभी, वरना मैं तुम्हारे कबीले में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।